चलो जी, इसकी मस्तियां स्टार्ट हो गई हैं। ये देख करो, खेलना खेलना इसकी शुरू हो गई है। पकड़ 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 गेन पकड़ गेन। चल भाई, पकड़ गेन पकड़ गेन। काशी ये भाईजान पकड़ गेन ना यार, पकड़ गेन हो ना। मरेदा नहीं है, मस्ती खेड दे बस। चलो चलो चलो, ओ भगा के ले गया। अब ये थोड़े सी यहाँ में मस्तियां करेगा, सुकून में फिर आएगा ये। नथ नहीं है ना तो काबू भी नहीं आता, और जानवर माशाल्लाह वजनी है तो भारी भी बहुत है। आराम गेनवन। चल 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 चल। दो तीन बछड़े हमारे पास ऐसे हैं जो भाई फुल टाइम मस्तियां करते हैं। ये भी खेड़ दे, खोलो ही कोई वाल थोड़ा जहा। आए गंदे, ये एक दो ये तीन ले आ भाई। कैट वॉक इवें ना छोड़ो वालो, बैर कहना सिर्फ एक हल्का फुल्का जहा। ये चेक करो जी। चल भाई एंजॉय करो, घूमो। आज आज भाई ये खुले डुले हुए हैं, बच्चों को तंग करेंगे। वैसे ये खसी हैं, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा चहल कदमी मैंने आप लोगों को दिखानी थी इनकी, तो इस वजह से ये छोड़ दी है। ये गया ये गया ये गया, मुझे इधर ही रहना पड़ेगा मुझे लगता है। चलो चलो बांधो बांधो। ना ना उनको नहीं खोलना। चल भाई चल भाई, बैक साइड भी दिखाता हूँ इसकी। माशाल्लाह ये चेक करो, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मजीद, तो आप लोग देखें अपडेट देखें और कमेंट में हम निकीमती राय का इजहार जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज काफ़ी दिनों बाद या काफ़ी टाइम बाद फार्म की अपडेट देने लगा हूँ। अपडेट नहीं दे रहा था किसी वजह से, क्योंकि वो सामने जो है वो शेड बन रहा था, वो देखें सामने शेड बन रहा था, फिर उसके बाद उसका फर्श लगवाया है, फिर इसी तरह एज इट इज़ ये पूरी जगह का फर्श लगवाया। अंदर से दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखें ये फर्श लगवा के सीधा करवाया। और आज आया हुआ था मैं कि चलो थोड़ी सी अपडेट दे दूं, तो इंशाल्लाह जैसे ही ये सीधे हो जाएंगे, अभी चारा वारा इन्हें डलने वाला है, तो ये वापस अंदर आ जाएंगे। तो थोड़े से जानवर खुले खुले खड़े हैं, तो वो भी आप लोगों को विजिट करवा देता हूं। ये चेक करें, माशाल्लाह। ओके ब्रदर, अभी बच गए, ये भी टक्कर पड़ती थी। आ जाओ आप भी, आ जाओ भाई आप भी आ जाओ। ये भाई साहब तो है, मुझे तो करीब नहीं आने देते, मारते हैं ये बहुत एक्सट्रीम किस्म का। तो इसके जितना करीब जाऊंगा इतना मारेगा। अभी ये साहब टक्कर मारने लगे थे, अभी ये कीचड़ विचड़ यहाँ हुआ हुआ है, क्योंकि जहाँ पर ये गायें आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर इस तरफ भी एक शेड बनना है। सामने से वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को कि कहाँ पर शेड बनना। तो ये जानवर सिंगल सिंगल जो खड़े हुए हैं वो दिखा देता हूँ। सफाई इसलिए नहीं, क्योंकि देखें किचड़ में ही बैठ जाते हैं फिलहाल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ये सारा सिस्टम सीधा हो जाएगा। तो ये तौकीर भाई का है ये वाला, माशाल्लाह से अभी गंदे हुए हैं फुल टाइम, इसीलिए मैं नहीं दिखा रहा था जानवर। लेकिन खैर
जो हमारा मेन काम था कंस्ट्रक्शन का वो हो गया, लेकिन अब हमें सिर्फ इनको साफ करना है और अंदर बन जाते हैं सुकून से। ये देख लें, ये मेरे ख्याल में मज़हर भाई का है, सिर्फ गंदे हुए हैं। अब ये मैं अभी फ़िलहाल नहीं छेड़ सकता क्योंकि सर्दियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस वजह से भी ये बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, कुछ खा रहे हैं। अभी बंडा शंडा इन्हें कुछ नहीं डला, ये सुबह का पड़ा होगा या दोपहर का इन्होंने जो चारा वारा डला होगा वही ये खा रहे हैं। और ये है क्या नाम है अली भाई का, ये देखें, ये सारे ही अब शाम को अंदर चले जाएंगे, मतलब खुरलियों पे। इसको थोड़ी सी एलर्जी हुई है, इनको इंजेक्शन वगैरह लगाए हुए हैं सबको। और अभी वंडे का टाइम हो रहा है तो वंडा भी आप लोगों को दिखाते हैं। और ये है जी हमारे पास अपाची, ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चीज़ है। और माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस बछड़े को पसंद किया और पर्सनली बहुत प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। और अभी खीरा है, ये नथ वगैरह इसकी निकाली हुई है हमने, चेक कर सकते हो आप। ये देखें फेस ब्यूटी, कान इसकी गुलाइयाँ। मुल्तान में ही एक हमारे भाई हैं जुहेब भाई, तो उनका है ये, तो ये हमारे पास छोड़ गए हैं। अभी ये हमारे मेहमान भी आ गए, मतलब तो ये दिखाता चलूं आपको। ये तौकीर भाई का बच्चा माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हाइट करके गया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो हमारा नुकरा दूसरा खड़ा हुआ है, इसको हमने पंच कराया हुआ है, वैसे मस्ती करता रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये नीचे फर्श लग गया, रेत वेत डाल दी, इनको सुकून की जगह मिल गई है। अब ये खड्डे नहीं कर सकते, ये खड्डे बहुत ज़्यादा कर देते थे। इसकी बैक भी आप देख सकते हैं, एक ये है और ये है जी तौकीर भाई का। बस कमेंट में मुझे आपने ये नहीं कहना कि यार जानवर गंदे हुए हैं, आई नो वेरी वेल कि गंदे हुए हैं जानवर। सिचुएशन आपको दिखा दी कि ये देखें अभी तक कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो कितना हम साफ कर लें। फिर हमने शाम को इनको बाहर बांधना है धूप पे, तो फिर ये गंदे होते ही होते हैं। और ये आ गया जी एहसन भाई का माशाल्लाह, अभी देखें कैसे खड़ा हुआ है फिलहाल। खैर अभी ये थोड़ी देर में अंदर चले ही जाएंगे सारे के सारे। अभी भी शेड हमें बनाने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि हमारे पास जो कुछ बछड़ियाँ हैं या कुछ जानवर हम अलग करना चाह रहे हैं पर्सनली तौर पे, कुछ तो चले गए हैं अलग और कुछ अभी मैं चाह रहा हूँ कि जो बछड़ियाँ हैं वो अलग हो जाएं। और ये ऐसा मेरे का भी बछड़ा दिखा दिया मैंने, ऐसे ही चलता हूँ आगे। अभी ये जैसे वापस इधर चारे पर लगेंगे या चारा डालने लगेंगे वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। और फिलहाल जो बुकिंग का सीन है जानवर लेने वाला वो फिलहाल क्लोज है सर, अभी हम कोई जानवर नहीं पकड़ेंगे क्योंकि अभी जब तक ये जानवर हम अपनी जगह पे सीधी तरह नहीं बांध सकते बल्कि बंद गए हैं, तब तक हम अभी और जानवर पकड़ने के मूड में नहीं है। इन्हीं को ही पालेंगे, इन्हीं पे ही हम काम करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक खैर करें जी। आपने भी मारना, ये बच्चा बड़ा हुआ है हमारे पास और माशाल्लाह अभी ये बच्चा ही है, ये आप देख लो बहुत प्यारी चीज़ है ये भी। ये है हमजा भाई का, ये देखें अभी चारे वारे का टाइम नहीं हुआ, अभी चारा इनको डलना है तो वो डल ही जाएगा। चले ये बच्चा, इसकी नाव झालर आपके सामने है। और आप क्यों मारने आ रहे हो मुझे भाई, इसको भी मैंने खसी कराया था, अभी ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये तीनों जानवर हैं हमजा भाई के, एक ये है, ये चलिस्तानी माशाल्लाह से। और कोशिश करूँगा कि इस साल बिफोर एंड आफ्टर की वीडियोस भी आप लोगों को मैं दिखाऊं। और एक ये भाई साहब बैठे हैं, सर क्या हाल है? सर दुआएं आपकी, आप सुनाएं। खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैं जी हमारे भाई, बहुत अच्छे आते रहते हैं फार्म पे और हम भी इनके फार्म पे जाते रहते हैं, तो वीडियो बना रहा हूँ फिर इंशाल्लाह आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में। और सुनाएं सब, खैर खैरियत? अल्लाह पाक क्या करे, शेड वेड सही बन गए?
बहुत आला, बहुत आला मूवी है। अभी थोड़ा सा और बनाना यार, अभी अभी और बड़ा काम पड़ा है। अभी अभी तो खिलारा मचा, खिलारा मचा हुआ है, इसलिए ये छोड़ा हुआ इसलिए है, ये वो शेड बना ना होता जहाँ गायें वगैरह खड़ी है, इस वजह से भी। तो आप बैठो, मैं आपसे मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में। अच्छा, तो जानवर दिखा लेते हैं फिर ही आपसे बात करते हैं भाई से इंशाल्लाह। अच्छा, एक ये जानवर है हम सब का जो उठ गया, तो ये भी आप लोगों को दिखा ही देता हूँ। ये चेक कर सकते हैं, ये इसको अभी रिसेंटली कुछ हफ्ता एक हुआ है मेरे ख्याल में, पंच करवाया ये वाला, और एक वो परे खड़ा हुआ है नुकरा उसको। तो ये बच्चे भी देख लें भाई आप, ये बछड़ी है, इसी तरह ये बच्चे आ गए। ये सारे खुलियों में बंधे रहेंगे, अभी अंदर चले जाएंगे सारे, जैसे ही चारा वारा ये लड़के तैयारी कर रहे हैं डालने के लिए। अभी मगरिब नहीं हुई, सॉरी असर नहीं हुई, असर हो जाएगी तो इंशाल्लाह। ये बच्चा माशाल्लाह चेक करो, ये तो की भाई का, ये वाला, ये रेड, अच्छा जी आपने भी माना, ओके। ये दोनों ही थोड़ा सा ना मारने के लिए आते हैं, बल्कि ये तीनों ही, ये तीनों लाइन में बंधे हुए हैं, एक दो ये तीन, ये भाई साहब मारने के लिए थोड़ा सा आते ही आते हैं। चलो ए। अच्छा जी, अब इनसे बच के जाना पड़ेगा। और ये चेक करो माशाल्लाह, ये इस वीक ही परचेज किया था ये चीज। सीधा हो जा भाई, हाँ ये फेस दिखा दे अपना, ये पंच करवाया था अभी। ये बच्चा है अभी माशाल्लाह से, ये जो बैठा हुआ है। और ये चेक करो, एक ये पांडा खरीदा था हमने, और ये अदनान भाई का है इस टाइम, उनकी अमानत खड़ी है। दो बछड़े हैं उनके, उधर एक ब्लैक खड़ा हुआ है और एक ये है, एक ये बैठा हुआ है। ये और ये भी तकीर भाई का। अभी फिलहाल ये सारे अंदर, जब आएंगे चारे पे डलेंगे तो फिर मैं दोबारा वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, बछड़े इन्होंने बांधना शुरू कर दे हैं खुरली पे, और मंडा वगैरह इनका डाल दिए है। ये भी अदनान भाई का माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज। एक ये है, एक वो खड़ा हुआ है, दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। ये चेक करो, ये चेक करो, सबका वंडा वगैरह डल गया। थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है इस टाइम, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मगरिब हो जाएगी। ये देखें जो आ गए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ इधर खड़े हुए हैं और कुछ अभी बाहर हैं, ये अभी खुलते हुए आएंगे और अंदर बनते जाएंगे। ये बछड़े, एक ये खड़ा बद नान भाई का, क्योंकि ये जोड़ी इकट्ठी आई थी तो इसलिए इकट्ठे खाते हैं सुकून से, वरना लड़ते हैं। कोशिश मैंने की थी कि इनको अलग अलग बांधूं, लेकिन ये नहीं हुआ। गायें वगैरह सारी लगी हुई हैं अलग उधर। अब ये जी हमारी ये गायें जो हैं, ये इसमें से कुछ हैं शारिक भाई की, कुछ अपनी हैं, कुछ मिक्स हैं। बच्चे ये खड़े हैं इनके, तो पीछे से जो है ना डॉग का जो बड़ा डर लगता है मुझे, बड़ी अग्रेसिव है, रात में हमें बड़ा हेल्प आउट करती है। ये इधर लगी हुई है गायें वगैरह, ये है शारिक भाई की, ये भी मंडा वगैरह खा रही हैं, और ये इनके बच्चे हैं। ये भी सारे रात को अंदर ही आ जाते हैं। और एक हमने शेड बनाया था, ये देख लो आप, जानवर नहीं दिखाऊंगा फिलहाल इधर के, ये शेड बनाया था और अब अंदर जानवर सारे के सारे लगे पड़े हैं। तो ये जानवर नहीं दिखा रहा अभी, ये ब्लेड से सीधी करवानी है जगह, और एक शेड हम यहाँ बनवाएंगे, ये इस जगह पे, ये देख लो। तो फिलहाल जानवर दिखाते हैं आपको जो बंद रहे हैं। ये आ गया मैं इधर, टांगों में भी बहुत एक्सट्रीम किस्म का जो है वो पेन हो रहा है मेरी। तो थोड़ा सा अपडेट आपको दिए, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जो है अब जानवर साफ करके नहला धुला के, नहलाने का मौसम ऐसे नहीं है क्योंकि सर्दियां काफी ज्यादा हैं,
और ये हमारा इलाका जो है वो खुला है, तो सर्दी यहाँ ज़्यादा होती है। नहलाने वाला सीन तो फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा जब तक मौसम नहीं खुलता। तो जानवर आपको दिखा दिए, थोड़ी सी अपडेट आपको देनी थी, बहुत ज़रूरी थी। जो काफ़ी लोग कह रहे थे इनका भी मंडा इस पर लग गया है, इनको हमने बांधा था यहाँ पर, लेकिन ये फिर यहाँ ना खाते नहीं है, खुरलियों में घुस जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इनको भी आदि करते हैं, इनको भी खुरली पे हम लाते हैं सबको, ताकि ये खुरली पे ही खाएं। ये वाले बच्चे जो हैं बड़े बच्चे, एक तो ये हम ले आए थे, इसको ये आदि हो गया, और ये जुहेब हमजा भाई का बछड़ा चला गया अंदर। ये पोर्शन अभी हमारे पास खाली बचता है, बच्चे ही हम बांधते हैं यहाँ पे। फिलहाल अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मजीद बछड़े रखें, जब तक मजीद शेड हम नहीं बना पाते, इन्हीं को ही हमने सीधे करने हैं, इन्हीं को ही अंदर बांधना सुकून से। तो ये देखो ये खड़े हैं सुकून से। हेलो राम लाल माराणा कर, ये भी है अली भाई का और ये भी अली भाई की है ये बछड़ी, और ये वाला बछड़ा बच्चा भी, ये चेक करो, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, ये दूध वगैरह भी पीते हैं, और ये वाला तो माशाल्लाह। बच्चे सारे ही अच्छे हैं, कुर्बानी के हैं बच्चे, हैं छोटे हैं बड़े हैं जो भी हैं, माशाल्लाह ज़रूर बोला करें सर। भाई जो हैं जो भी देखते हैं वीडियो को, खोल ले भाई, देर से ये नहीं खुल रहा। ये देखें इसको भी खोलवाते हैं अभी, और ये अभी भी जो है ना मस्तियां करता है बहुत, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चीज़ है, और बहुत लोगों ने पसंद किया ये बछड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी की नियत से ये भाई ने मेरे ख्याल में लिया हुआ है, तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करो भाई। आ रहा हूँ एक वो इनते गिन के आवे यार जरा, एक वो खोल के, कोई नहीं इनते गिन के, वही कह रहा कि इसको खोलूंगा तो ये भाग जाएगा। माशाल्लाह इसकी नथ भी हमने निकाल दिया ना, तो ये बस मस्तियां शुरू हो रही हैं इसकी अब। आराम ना चले, एक मिनट रुके थे। ओए 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 ओए, चल जी इसको बांध दे चारे पे रखे से, वो खाने के लिए जो है ना वो भागेगा अब। ये भी अभी बांध दिए जाएंगे सारे टोटली, इनको भी डाल दिया गया। तो ये छोटी सी अपडेट आप लोगों को मैंने दिखाई है फार्म की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जानवर देखें आप कितने रिलैक्स हो गए, सुकून से जानवर खड़े हो गए हैं अब, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रेस ख़त्म हो गई है। तो बस अब इन पर मेहनत करनी है और इंशाल्लाह रिज़ल्ट लेना है। अल्लाह पाक काम में बरकत डाले, दुआ में याद रखें भाई, और हमारे लिए दुआ किया करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।